डीप सी में फर्स्ट 2 डेज का ये हमारा प्रीवियस वीडियो है। अगर आप लोगों ने हमारा फर्स्ट प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो ज़रूर आप लोग उसको पूरा देखें ताकि ये वीडियो और हमारी आने वाली वीडियोस आपको इंटरेस्टिंग लगे। चलिए देखते हैं हमारा 3rd डे का फिशिंग ब्लॉग। उमेश दिखा। साहिल से लोग। अरे पहली पोपट मछली लगी है। ओए। 3rd डे की सुबह उठते ही फिशिंग चालू। जिगिंग करेंगे। 260 ग्राम का जिग डाल रहा हूँ। पानी 100 मीटर डीप है और पानी में करंट भी बहुत ज़्यादा है। ये लोकल जिग है जो मैंने सीरॉक से ख़रीदा। लेट्स ट्राई फॉर द ग्रुपर्स। 260 ग्राम का ये जिग 300 फीट डीप ग्राउंड पे टच होने के लिए कितना टाइम लगता है ये आप लोग नोटिस करो, क्योंकि इतने डीप से बड़ी मच्छी को ऊपर लेके आने में कितनी ताकत और मेहनत लगती है ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एंड लाइन पे 1 किलो वेट के साथ जिगिंग करना, बेट फिशिंग करना, लाइव बेट फिशिंग करना, आपको आइडिया आ जाएगा हमारे बोट पे जो फिशरमैन हैं लोग कितना एफर्ट्स डालते हैं एक एक मच्छी को लैंड करने के लिए। अभी तक जमीन टच नहीं हुआ है। हो गया। 260 ग्राम का जिग 2 से 3 मिनट लग गए बॉटम टच करने के लिए, क्योंकि बॉटम पे ही ज़्यादातर मच्छी होती है। और अभी मैं बॉटम जिगिंग कर रहा हूँ फॉर ग्रुपर्स। ज़्यादा जोश में खींच रहे हैं। मच्छी लगी है, लगी है, मच्छी लग गई है कंफर्म। रूबी रेड। अच्छा स्नैपर। एकड़ू दो दो है। ये हुई ना कुछ बात, मेरे साथ में ले लेगा। जीता ने निकाले दो दो। जबरदस्त जबरदस्त। छोटे छोटे एकड़ू लग रहे। ये आया बाहर। हाय मच्छी था। बी का एक ग्रुपर लगा है टूना पे और एक रूबी रेड लगी है रानी मच्छी। एक फिश निकली है बेट पे। जरा आप इसका नाम कमेंट में बता दो मेरे को क्या है। ये पिछड़ पिछड़ उमेश दिखा। इधर दिखा। तीन एक साथ तीन तीन ग्रुपर। ओहो इंक छोड़ी। वो कटल फिश। कटल कटल। हाँ वो एकड़ू पे मारी उसने। मार दिया ना। पिचकारी मार दिया। फिर गेम खाली कर दिया साला। मेरा को तो पूरा नष्ट कर दिया यार। देता क्या? बड़ा कटल लगा है, जबरदस्त साइज। ये एकड़ू पे मारा इसने। 2 दिन पानी में तूफान था तो हम लोग ने ये स्पॉट पे एंकर करके कुछ बेट फिश पकड़ी और अभी रवाना होंगे अगले स्पॉट पे खाना खाने के बाद। तो दोस्तों अभी हमारा एकड़ू रेडी है। दाल नहीं, कौन सा सालन नहीं है, एकड़ू का सालन। एकड़ू का सालन बनाया जो हम लोगों ने पकड़ी। ए, भाई भात। और ये माकुल, माकुल का फ्राई। माकुल का फ्राई। अबे माता दो तो के माता दे ना मुंह। मिर्ची ना और एक तो दो मिर्ची।
तो अभी सब खाना खाने बैठे हैं, आप लोग भी खाना खाओ। हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा थर्ड डे फिशिंग ट्रिप का। कल रात से ही हमें जिग पे मुझे पहली स्ट्राइक मिली, जो कि आर्टिफिशियल लूर है, उस पर पहली हमें स्ट्राइक मिली, मगर वरना बेट पे या लाइव बेट पे ही हमें ज़्यादातर मच्छी लग रहे थे, और साबिकी पे काफ़ी कुप्पा बरीटोज ये सब हमें मच्छी लगे। बट आज सुबह भी बहुत सारा ग्रुपर्स निकाले हम लोगों ने, और वहाँ से निकल गए हम लोग थे वहाँ पे नहीं बल्कि 50 नॉट्स के रेंज में थे, और अभी वहाँ पे ज़्यादा कुछ खास गेम नहीं होने की वजह से हम लोग ने अभी आगे निकल गए। और यहाँ पे जैसे ही पहुँचे हम लोग तो यहाँ पे पहले वहाँ पे तो एक भी बोट नहीं थी, बट अभी इस तरफ इतनी सारी बोटें आ गई है कि मेरे होश उड़ गए इतने बोट्स देख के। पहले तो एक बोट भी नज़र नहीं आ रही थी, बट यहाँ से लाइन से कंटिन्यू बोट लगे हुए, नहीं बोल के 200-300 बोट है यहाँ पे। थोड़ा रिलैक्सिंग फील हुआ इतने सारे बोट्स देख के, मुझे लगा कि हमारी बोट है खाली डीप सी में, बाकी कोई है ही नहीं, ये सारे बोट्स है। तो गाइज यहाँ का चांसेस थोड़ा हाई लग रहा है, पानी भी यहाँ पे क्लियर है, वहाँ पे एल्गी काफ़ी थे, तो एल्गी की वजह से मेरे ख्याल से ल्यूर्स नहीं उठा रही थी जो भी मच्छी थी। मच्छी तो वहाँ पे भी थी, बट सुरमई जो हमारे कैप्टन साहब टारगेट कर रहे हैं वो और डीप में शायद मिलेगी, तो और डीप हम लोग जा रहे हैं, 11 घंटे और ट्रैवलिंग करना है। ये बोट की जो लाइनें हैं इसको भी क्रॉस करते हुए हम लोग और अंदर जाने वाले हैं, देखेंगे आगे क्या क्या होता है। मज़ा तो काफ़ी आ रही है इतना ओपन सी में फर्स्ट टाइम, कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है। आगे का देखने के लिए वीडियो पे बने रहे, आगे शायद कुछ हो जाए। हमारे भंडारी साहब क्या बना रहे? रोटी बनाएगा, दाल सब्जी दाल के अंदर सब्जी डालेगा, फ्लावर। अच्छा, फ्लावर का सब्जी बनाएंगे, चलो सही है, दाल फ्लावर ठीक है। सुखा सुखा तड़के क्या मार के खाना, तो तुम बढ़िया बना रहे हो, मजा आ रहा है खा के। ये हमारा फ्रंट व्यू, यूहू, जरा और टॉप पे जाएंगे, ऊपर चढ़ जाएंगे डेक पे। पायरेट्स ऑफ फिश ऑन रीफ। यहाँ पर तो काफी बोट्स के लाइन है, उसके आगे भी नहीं बोल के और 2 घंटे दूर मेरे को और बोट्स नजर आ रही है। गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, सारे जगह से बोट आए हैं, कोकण, एकदम डीप सी में गाइस, रियल डीप सी। अटैक अटैक, लूट लो सारे बोटों को। 15 दिन के लिए गाइस पानी में रहना वेरी डिफ़िकल्ट, बोट का जो मोशन है जिसमें रेगुलर होने के लिए आपको यूज्ड टू होने के लिए नहीं बोल के 2-3 दिन लगेंगे, किसी किसी को एक ही दिन में सूट हो जाता है, किसी किसी को 2-3 दिन लग जाते हैं। फोक्स यहाँ पे टोटल हम लोग ने 5 ट्रॉलिंग के लिए लाइन डाली है। ये लाइन है माही माही के लिए, सुरमई भी इसको उठाती है, इस पर इन्होंने साबिकी बनाई है। ये रॉड मैंने मार्लिन सेलफिश के लिए डाला है, ये रॉड सुरमई के लिए डाला है, ये रॉड सब चीज़ के लिए डाला है। इसमें डीप डाइवर है, इसमें 2 मीटर है, उसमें टॉप वाटर है, बाकी साबिकी दोनों टॉप वाटर से आ रहे हैं। तो ये स्टाइल देखो इनका, आगे साबिकी डाले हैं, ये स्टाइल से लोग स्पिनिंग करते हैं। एक्शन देखो भाई का, अपने अभी छोड़ रहा है, लाइन छोड़ रहा है, ऐसे ही ये अपने आर्टिफिशियल साबिकी में जान डाल रहा है बंदा, दिमाग एकदम शातिर है इसका। किसते रहे किसते रहे, सुरमई सुरमई पोपट मच्छी, सुरमई सुरमई पोपट है, अरे पहली पोपट मच्छी लगी है। हट जाओ गोल से साइड, हुक मारेगा, हुक मारेगा, उठा लेना। पहली पोपट मच्छी साबिकी पे दबा के, क्या बोट पे जाएगा तो
And Rashid bhai is fish on. Oh. और यहाँ पे जैसे ही पहुँचे हम लोग तो यहाँ पे पहले वहाँ पे तो एक भी बोट नहीं थी, बट अभी इस तरफ इतनी सारी बोटें आ गई है, तो गाइस यहाँ का चांसेस थोड़ा हाई लग रहा है। पानी भी यहाँ पे क्लियर है। पकड़ पकड़ ये निकल नीचे से घुमा के लो, नीचे से घुमा के लो। राशिद भाई ट्रॉली पे दबा के अच्छी बड़ी साइज है। क्या है बोबो? नहीं नहीं सुरमई है, पोपट नहीं मारेगी इस पे। सुरमई है। हुक लो। अरे को भी यार सुरमई। वाहू वाहू है वाहू। ए दूर रहो निकल रे। घोड़ा सुरमई है। इधर 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 इधर। वाहू वाहू ऑन वाहू ऑन। रील पे मार रील पे मार। वाहू ऑन फर्स्ट वाहू ऑन वाहू याहू। फैन में नहीं जाएगी ना? फैन में नहीं जाने में देना। रील जिंदा हो गई, रील जिंदा हो गई। दो दिन बाद रील जिंदा हो गई। अभी ताकत लगा, अभी नीचे नहीं जाने देना। ओवर जाओ। माशाल्लाह बिगेस्ट वाहू। क्या मारी है स्ट्राइक, क्या मारी है स्ट्राइक, जो रन किलर। हम 7 knot की स्पीड पे ट्रॉलिंग कर रहे थे उस दौरान कुछ घंटों बाद और दो दिन बाद ये जाइंट फिश जो कि वाहू हमें लगी डीप डाइवर पे रपाला के मैग्नम हस्की ल्यूर पे। थोड़ा दूर से ले फोटो फोटो फ्रेम। नहीं नहीं बस बस तू वैसा बंद मत कर। नहीं नहीं बराबर है। फिश ऑन फिश ऑन है। गया गया साबी की पे दबा के मार रही है माही माही। ये मच्छी ढूंढ रहा हूँ, ऊपर आ गया हूँ। जैसे मिली आर्या आर्या। सनसेट होने आया है अभी तक। 3 मच्छी लगे हैं, 3 माही माही और 1 वाहू। और भी लग सकती थी जहाँ पर मैंने आपको बताया कि बोट ज़्यादा रुके हुए वहाँ पे बहुत ज़्यादा गेम अच्छा हो रहा है लोग का, लेकिन हम लोग और अंदर डीप में जा रहे हैं। पता नहीं अंदर कॉन्फिडेंट में हमारे कैप्टन लेके जा रहे हैं। देखेंगे उधर गेम कैसा है। बने रहो वीडियो में। ऑलमोस्ट अंधेरा होने को आया है। आज का 3rd डे हमारा कम्प्लीटली लगता है ट्रैवलिंग में चला जाएगा। स्पॉट पे पहुँचते पहुँचते मेरे ख्याल से 3-4 बज सकते हैं। फ्रेंड्स रात का 8 बजे हैं और हमें ऐसे नज़ारे देखने मिल रहे हैं कि आप यकीन नहीं करोगे। हमारे बाजू से इतने सारे डॉल्फिन जा रहे हैं बोट के उधर ही उधर। आएगी 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 आएगी। ये देख देख नहीं आ रही है, नज़दीक आएगी तो दिखेगी। ओहो पूरा झुंड है डॉल्फिन का, पूरा झुंड। फ्लाइंग फिश पे पूरा हमला चालू है रात को। ओहो ओहो फ्लाइंग फिश को तो ऐसे ही पकड़ सकते हो। क्या भाग रहे हैं फ्लाइंग फिश के पीछे, उड़ा उड़ा के मार रहे हैं। हो गया ये अपने लूर पे मारेगी। ओहो क्या रिकॉर्डिंग आई है। उधर 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 मारो।
बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ओहो एकदम क्लियर हो गया है। ओहो क्या बात है। क्या बात है, भर भर के। कैसा लगा गाइस ये सीन? रॉकिंग मिशन रेस। दोस्तों आज की रात का नजारा ही कुछ अलग है। दो दिन से मैंने आपको अपनी कहानी बताई कि रात को क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हम लोग ने देखा। अभी लाइट में देख नहीं पा रहा हूँ, काफ़ी अंधेरा है, बोट की लाइटें भी बंद है। सीन आज के रात का कुछ अलग ही है, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ। हम लोग आ गए हैं इतना ज़्यादा डीप में कि आजू बाजू में अभी एक बोट भी है नहीं, सिर्फ हमारी बोट, और वो भी अंधेरे में सिर्फ चले जा रही है। सुबह हम लोग 10 बजे निकले, या सॉरी 12 बजे निकले, और कंटिन्यूसली हमारी रनिंग है। बीच में जो 4-5 मच्छी हमें लगे, बाहु और माही माही, बस तभी हम लोग ने हॉल्ट किया। उसके बाद से कंटिन्यूसली बोट रनिंग है, बिल्कुल भी एक नॉन स्टॉप हम लोग चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं अभी ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ। ब्यूटीफुल नज़ारा है आज का, पानी एकदम ही शांत है, वेदर क्लीन है, थोड़ा डर कम है, बट अंधेरे को देख के थोड़ी सी अजीब महसूस हो रहा है। देखते हैं अभी हमें जो कैप्टन जिस जगह पे लेके जा रहे हैं उस जगह पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस है मच्छी के, टूना के, सेलफिश, मार्लिन और एम्बरजैक जैसी फिश हम टारगेट करने जा रहे हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या लगता है। लेट्स सी गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर अस, बाय। भयंकर गेम हो रहा है, भयंकर। 4 दिन के बाद धमाका। सारे लोगों को यहाँ पे मच्छी लगी हुई है। लगी है रजाक भाई? यहाँ पर सबके हाथ टाइट चल रहे हैं, सब टाइट। 1, 2, 3 एक साथ मच्छी साबिकी पे। फुल धमाल गाइस, फुल धमाल, लाइट इज ऑन। हाँ बहुत मजा, जबरदस्त। साइज देख रहे? बोला था ना ऐसा जगह में लेके जाऊँ, सोचते रह जाऊँ।